बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव यूनिट वन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट पार्ट 1, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल जेड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रियल जेड? Means real part of complex number. Here, let z is equal to a plus iota b. आप यहाँ पे z equals to x plus iota y या कुछ और भी ले सकती हैं अपनी चॉइस से। z equal to a plus iota b में real z जो होगा वो a को represent करेगा और imaginary z जो होगा वो b को represent करेगा। Means imaginary part में जो b है वो, उसमें हमारे पास b इमेजिनरी z होता है और a रियल z होता है। ओके, पार्ट वन, हमने प्रूव करना है z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल है 2 टाइम्स रियल z के। तो सपोज किया है z a प्लस आयोटा b के है, इक्वल है, तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा? a माइनस आयोटा b। आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें z प्लस z कॉन्जुगेट में वैल्यूज पुट करते हैं z और z कॉन्जुगेट की। z की वैल्यू है a प्लस आयोटा b, z कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस आयोटा b, प्लस आयोटा b माइनस आयोटा b कैंसिल आउट हो जाएंगे। a प्लस a हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स a। अब a किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? रियल पार्ट ऑफ z को। तो a की जगह हम लिख देंगे रियल ऑफ z और 2 अपनी जगह पे है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव करना था, z प्लस z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स रियल z, वो प्रूव हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सेकंड, उसमें आपने इसको प्रूव करना है स्टूडेंट्स, z माइनस z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स इमेजिनरी z। तो जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो रियल वाली वैल्यूज़ a कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 टाइम्स आयोटा b होगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, इसलिए पार्ट सेकंड आपने खुद करना है पार्ट फर्स्ट को देख के। ओके, नाउ पार्ट थर्ड, z इंटू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल z होल स्केयर प्लस इमेजिनरी z होल स्केयर। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, z इंटू z कॉन्जुगेट वैल्यूज पुट करें, z की a प्लस आयोटा b, z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b, यूजिंग फार्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b विच इज इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a स्केयर माइनस आयोटा b होल स्केयर, a स्केयर माइनस आयोटा स्केयर b स्केयर। अब हमें पता है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस वन के। यहाँ माइनस वन पुट करेंगे, ए स्केयर माइनस माइनस प्लस बी स्केयर। अब ए किसके इक्वल है? रियल जेड के। तो ए की जगह क्या लिख लेंगे? रियल जेड, ये स्केयर अपनी जगह पे, प्लस बी किसके इक्वल है? इमेजिनरी जेड के, स्केयर अपनी जगह पे, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो जाता है। नाउ पार्ट फोर्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज, जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट इम्प्लाइज जेड इज अ रियल। अब हम लोगों ने क्या प्रूव करना है इसमें? अगर जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट हो तो जेड क्या होना चाहिए? रियल। सो लेट्स टेक जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। Now by taking z equals to z conjugate implies putting values of z and z conjugate, z a plus iota b equals to z conjugate a minus iota b. A will be cancelled out with a. We have iota b, taking this iota b on left hand side, plus iota b equals to 0. 2 times iota b equals to 0. Dividing both sides by 2 iota, we have b equals to 0. Now putting this value of b equals to 0 in equation number 1, where equation 1 is z is equals to a plus iota b.
सो जेड इक्वल्स टू ए प्लस जीरो विच इम्प्लाइज ए, बी की जगह जीरो आ जाएगा तो जेड किसके इक्वल होगा, ए के। अब हमें पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ए किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल जेड को। सो जेड, हम जेड का आंसर क्या आया है हमारे पास, रियल नंबर। मीन्स जेड इज रिप्रेजेंट ओनली रियल व्हेन जेड इक्वल्स टू जेड कॉन्जुगेट। इसमें यही हमने प्रूव करना था कि अगर जेड जेड कॉन्जुगेट के इक्वल हो तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलता है उसमें जेड क्या हो जाता है, रियल, जो कि जेड इक्वल्स टू ए प्रूव हो गया है। नाउ पार्ट फाइव, जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस जेड। हेयर यू हैव अ न्यू स्टेटमेंट फॉर पार्ट फिफ्थ इज z conjugate equals to minus z if and only if। अब यहाँ ये जो मैंने आई डबल एफ लगाया है ये शॉर्ट फॉर्म है इफ एंड ओनली इफ की, जो कि आपकी बुक पे ये वर्डिंग लिखी हुई है स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली इफ z इज प्योर। अब इसका मतलब क्या, आई डबल एफ का मतलब क्या, इफ एंड ओनली इफ मीन्स इफ z बार equals to minus z then Z is a pure imaginary, or if Z is a pure imaginary, then we have to prove that Z bar is or Z conjugate equals to minus Z. Means, अगर हम suppose करते हैं कि Z conjugate और minus Z आपस में equal हैं, तो जो required answer आना चाहिए उसमें Z pure imaginary हो। और conversely, अगर हम कहें कि Z कोई भी pure imaginary number है, मीन्स उसमें सिर्फ आयोटा वाली टर्म आ रही है, तो फिर हमारे पास z कॉन्जुगेट और माइनस z को आपस में इक्वल होना चाहिए। तो अब इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले z की वैल्यू सपोज करते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन z कॉन्जुगेट इक्वल टू a माइनस आयोटा b। नाउ सपोज z कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस z, देन वी विल प्रूव दैट z इज प्योर इमेजिनरी। स्टूडेंट्स, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर एट फिफ्थ पार्ट की फुल स्टेटमेंट भी लिख दी है। क्वेश्चन नंबर एट फिफ्थ पार्ट, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z इफ एंड ओनली इफ, इसकी शॉर्ट फॉर्म है आई डबल एफ, इफ z इज प्योर इमेजिनरी। नाउ इट्स सॉल्यूशन, लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इक्वेशन नंबर वन, देन z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। अब करना क्या है, जब हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आ जाती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट साइड है z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस z और इसके राइट साइड पे जो रिजल्ट है वो है z इज़ प्योर इमेजिनरी। तो इसकी लेफ्ट साइड वाली स्टेटमेंट को हम सपोज करते हैं और राइट वाली z इज़ प्योर इमेजिनरी को प्रूव करते हैं। और कन्वर्सली में जाके हम क्या करते हैं, इस राइट वाली स्टेटमेंट मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाली जो स्टेटमेंट है इसको हम सपोज करते हैं और जो इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको, सपोज जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस जेड, देन वी विल प्रूव दैट जेड इज़ प्योर इमेजिनरी। नाउ टेकिंग जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस जेड, पुटिंग वैल्यूज, z कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस आयोटा b, z की वैल्यू है a प्लस आयोटा b, माइनस साइन को इन साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस a माइनस आयोटा b, लेफ्ट साइड का माइनस आयोटा b राइट साइड का माइनस आयोटा b कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल्स टू माइनस a। इस माइनस a को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो a प्लस a इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स टू a इक्वल्स टू ज़ीरो, आर डिवाइडिंग टू ऑन बोथ साइड्स वी हैव a इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। Now putting this value of a equals to 0 in equation number 1, where equation 1 is z is equals to a plus iota b. तो ये क्या बन जाएगा, एक ही जगह जब 0 put करेंगे z is equals to 0 plus iota b which is equals to iota b. अब हमें पता है iota b किसको represent करता है, imaginary z को, means z is purely imaginary because here no real term. Prove हो जाता है हमारे पास ये वाला portion. अब हम इस पोर्शन को लेंगे और प्रूव करेंगे कि हमारे पास z कॉन्जुगेट माइनस z के इक्वल होना चाहिए। सो वी विल राइट डाउन कन्वर्सली, लेट z इज़ प्योर इमेजिनरी।
अगर जेड पेयर इमेजिनरी है तो अब हमने क्या प्रूव करना है, देन वी विल प्रूव दैट जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस जेड, टेकिंग जेड इक्वल्स टू आयोटा बी। क्यों आयोटा बी लिया, बिकॉज वी हैव टू टेक प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी में इसका रियल वाला पार्ट हमने नहीं लेना, तो जेड हम आयोटा बी ले लेंगे, तो जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस आयोटा बी। ये अब इस आयोटा बी की जगह दोबारा से ये जेड की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस जेड, जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस जेड प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था कि अगर जेड जो है हमारे पास प्योर इमेजिनरी हो तो जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड के इक्वल होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।